हेलो गाइस, तो वेलकम है आज की हमारी वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमने एनालिसिस किया और कैसे हमने ट्रेड बनाया। तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये अपने चार्ट पर चलते हो। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने बड़े टाइम फ्रेम पर हम मार्क करते हैं जो चीज़ लेवल्स, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम पर हमारे लेवल्स हैं। इसको हमने मार्क करके रखा हुआ है और हमने बताया भी था कि इस तरह से मार्केट वर्क कर सकती है। तो सेम ऐसे ही मार्केट ने वर्क किया। आज मार्केट ने गैप अप दिया तो मार्केट को अब सीधा सेलिंग ही करनी थी, क्योंकि मार्केट में जो एसएल थे वो डाउन साइड थे। इसलिए मार्केट को क्या करना था, यहाँ से नीचे आना था। तो वही किया मार्केट ने, मार्केट गैप अप हुई और वहाँ से मार्केट ने सेलिंग किया। हमने इसमें ट्रेड कहाँ बनाया, हमने इसमें ट्रेड बनाया सेकेंड कैंडल पे। आप जाके टेलीग्राम पर देख सकते हो, वहाँ हमने ट्रेड दिया, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस पे और बड़े टाइम फ्रेम पे हमने लेवल्स मार्क किया हुआ। तो हमने यहाँ पे दो ट्रेड बनाई है, ये दोनों ट्रेड यहाँ तक हमने इसको कैच किया, मतलब यहाँ तक हमने टारगेट अपना अचीव किया यहाँ इस ट्रेड में। तो ये दो ट्रेड हमारी निफ्टी के अंदर थी और इसको बनाने का रीजन सिंपल था, क्योंकि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आया, रिटेस्ट किया, तो हमने यहाँ से ट्रेड बनाया। अब उसके बाद मार्केट में हमारा सेकेंड ट्रेड था, वो ट्रेंड लाइन के बेस पे था। मार्केट में ट्रेंड लाइन हमने यूज़ किया था, उसके बेस पे हमने सेकेंड ट्रेड बनाया था। ये मैं यहाँ से करता हूँ, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, इसलिए हमने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से नहीं लिया था। हमने इस ट्रेंड लाइन को जो डाउन साइड जो रेजिस्टेंस है वहाँ से लिया था, जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ से हमने अपना ट्रेंड लाइन को मार्क किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो, मार्केट ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से ही नीचे आया और ये जो हमने अपना टारगेट रखा था वो अपने जो एसएल है उसका 1:2 रखा था और ये हमारे यहाँ पे मिल गया था हमें, 1:2 हमारा यहाँ पे हिट हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पे दो ट्रेड बनाया निफ्टी के अंदर। ये हमारी दो ट्रेड थी निफ्टी के अंदर जो हमने इसमें बनाई थी, फर्स्ट ट्रेड भी पुट साइड और सेकंड भी। और आप क्या कर सकते हैं, मार्केट ये जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है और दोबारा फिर ऊपर यहाँ से जा सकती है मार्केट। इस तरह से यहाँ पे वर्क हो सकता है। और अगर मार्केट गैप अप होगी तो भी मार्केट ऊपर जाएगी, फिर ऊपर के एसोलेट करके फिर दोबारा से मार्केट में नीचे आने के चांस होंगे। इस तरह से मार्केट में वर्क हो सकता है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये इसमें निफ्टी में इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। और बीच में रही तो मार्केट यहाँ से साइडवेज भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है, साइडवेज हो सकती है। तो इस तरह से मार्केट में वर्क हो सकता है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी के में चलते हैं, बैंक निफ्टी में दिखाते हैं कैसे आज वर्क हुआ, कैसे हमने एनालिसिस की। ये पर बड़े टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि इस तरह से मार्केट में वर्क हो सकता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे किस तरह से हमने एनालिसिस की है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो ये आप देख सकते हो सेम इस पर भी वही वर्क हुआ, बस इस पर हमारे एक लेवल्स मार्क करनी है। यहाँ पे हम अपना सपोर्ट मार्क करेंगे, ये हमने मार्क कर लिया, तो मतलब रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करना है, ऊपर रेजिस्टेंस डाउन में सपोर्ट होता है। तो ये हमने यहाँ पे अपना एक जो रेजिस्टेंस था उसे मार्क किया और मार्केट अपने जो सपोर्ट पे थी वहाँ से उसे मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर फंसी रही मार्केट यहाँ पे, और यहाँ से वर्क हुआ, मतलब यहाँ साइडवेज हो गई मार्केट निफ्टी। इसमें सिर्फ ओनली एक वन ट्रेड बना, क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है, तो इसमें सिर्फ ओनली वन ट्रेड हमारा, जो कि जब ये रेजिस्टेंस पे आई मॉर्निंग के टाइम पे बना था, यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया और इसको अपने सेटअप को क्लोज कर दिया यहाँ से। आज ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी और बैंक निफ्टी के अंदर ये हमारे यहाँ पे हिट हुई और हमने इसको बंद कर दिया। अब मार्केट क्या कर सकती है यहाँ से, मतलब जो ये रेजिस्टेंस है इसे तोड़ कर ऊपर जाने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा लूपर है। और अगर मार्केट गैप डाउन भी हुई तो भी मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो ऐसा है वो अब ऊपर है, तो इसलिए मार्केट ऊपर जाने के चांस हो सकते हैं। और अगर मार्केट में गैप डाउन, मतलब गैप अप होके गैप अप हुई और ये रेजिस्टेंस के नीचे आई, तो मार्केट यहाँ से जो ये स्पोर्ट है लास्ट वाला यहाँ तक मार्केट आ सकती है। इस तरह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो ऐसे वर्क कर सकती है मार्केट, कल के दिन ऐसा कर सकती है मार्केट। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेरा टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी लेवल्स होते हैं वो सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम पर डालते हैं और ये ट्रेड भी डालते हैं, तो इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।